देखा जाए तो गर्व की बात ये नहीं है कि रावण विद्वान था, सोचनीय बात यह है कि विद्वान भी रावण हो सकता है। ये बात गोरख मंदिर के आरोपी मुर्तजा के मामले में बखूबी लागू होती है। आईआईटी मुंबई का केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री धारक मुर्तजा अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला करके पता नहीं किस तरह के जन्नत के अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, जिसकी गिरफ्तारी और जांच के बाद विशेष कोर्ट ने आरोपी को देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, हत्या के प्रयास समेत कुल 12 आरोपों में मृत्युदंड के साथ ही जुर्माने से दंडित किया है। एटीएस एनआईएस की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले को 9 महीने में ही निपटा दिया है। कोर्ट के सामने प्रोसिक्यूशन ने बताया कि एटीएस की जांच से पता चला है कि वो सीरिया से जुड़े आतंकी संगठन को फंडिंग भी कर रहा था। साथ ही मुर्तजा के पास से भारी मात्रा में आईएसआईएस और अलकायदा सहित अन्य वैश्विक आतंकी संगठनों की भड़काऊ सीढ़ियां भी बरामद की गई हैं। जांच में मुर्तजा के आईएसआईएस के संपर्क में होने का भी पता चला है। गिरफ्तारी के बाद मुर्तजा ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वो देश में चल रहे हिजाब, CAA, NRC जैसे मुस्लिम विरोधी मामलों के चलते गुस्से में था और सरकार से बदला लेना चाहता था। दरअसल मार्च 2022 में खुफिया एजेंसियों ने 16 संदिग्धों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें मुर्तजा का भी नाम शामिल था। इसी समय से मुर्तजा पर प्रशासन की वक्र दृष्टि पड़ चुकी थी और एटीएस टीम मुर्तजा को लेकर सतर्क हो चुकी थी। मुर्तजा ने अप्रैल में बांका लहराकर नाराए तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए गोरखनाथ मंदिर में PAC पर हमला किया। तुरंत पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उस पर 2 केस दर्ज किए और तुरंत ही उसे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे कस्टडी रिमांड पर ले लिया गया। इसके बाद NIA ATS की स्पेशल कोर्ट ने 30 जनवरी 2023 को इसे लोन वुल्फ आतंकी घोषित करके मृत्युदंड सहित कई अन्य सजा और जुर्माने का आदेश दिया है। बताते चले, लोन वुल्फ आतंकी शब्द ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता है जो बिना किसी ग्रुप की मदद के अकेले आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। इस पूरी वीडियो में एक और शब्द का प्रयोग हुआ है और वो शब्द है NIA ATS स्पेशल कोर्ट। आइए लगे हाथ इसका भी मतलब जान लेते हैं। दरअसल इस कोर्ट को बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट के तहत मिली है। ये कोर्ट उन अपराधियों के लिए बनाई जाती है जिससे भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो सकता है। इस कोर्ट को बनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य है ऐसे खतरनाक मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल न भूलें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।